बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फ़िलहाल क्या हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से हैं। राव फजल अजीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश है। वेलकम टू अजीम 27 राव चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल अजीम 27 राव को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली हर अपडेट्स आप लोगों को वक्ता बवक्ता मिल सके। दोस्तों, जिस वक्त की फुल न्यू फ्रेश अपडेट्स हैं ओमान के कोरोना वायरस के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। तो अपडेट शुरू करते हैं। जैसे आप लोग जानते हो, ओमान के अंदर कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद है उसके अंदर कमी हो रही है। आज भी जो ओमान के अंदर जो केसेस की तादाद है वो थोड़ी सी हाई हुई है, लेकिन जो केसेस की तादाद है वो कम ही है। अभी अभी टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर आर्टिकल छाया हुआ, और इस आर्टिकल के मुताबिक आज ओमान के अंदर 692 नए मामले आए हैं कोरोना वायरस के। और अब इन 692 न्यू केसेस की वजह से आप लोग देख सकते हैं ओमान के अंदर 87,072 पर्सन को हो गया कोरोना वायरस। इसके अंदर माशाल्लाह से मजीद रिकवरी आई है, आप लोग देख सकते हैं 82,406 पर्सन की जो ओमान के अंदर रिकवरी होगी है। इसके अलावा टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर ये जो आर्टिकल छाया हुआ, इस आर्टिकल के मुताबिक आज फिर ओमान के अंदर 23 मजीद पर्सन की डेथ हुई है कोरोना वायरस की वजह से। और ये 23 मजीद डेथ्स मिला के आप लोग देख सकते हैं ओमान के अंदर 728 पर्सन की जो है डेथ होगी है। आप लोग देख सकते हैं जो कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद है वो अभी भी ओमान के अंदर आ रही है। इसलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से हदायात हैं उनको लाजमी अप्लाई करके रखे, मास्क लगा के रखे, सैनिटाइज करते रहे, तो कोई बाहर निकलते तो मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के निकलें, सोशल डिस्टेंस रखें, गैदरिंग बिल्कुल ना करें, अपने आप को इस वायरस से बचाएं और दूसरों को ये वायरस होने से बचाएं। तो ये इस वक्त की अपडेट्स थी ओमान के कोरोना वायरस के हवाले से। इंशाल्लाह जैसे और भी जो न्यू अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बस यही कहेंगे आप लोगों से कि अपनी हिफाजत करें, बी सेफ इन योर हाउसेस, बी सेफ इन योर रूम्स। अब तक के लिए रऊफ फजल अजीम को दीजिए इजाज़त। दुआओं की दरख्वास्त आप लोगों से बहुत ज़्यादा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।